द्रौपदी मुर्मू, 200 से ज्यादा यहां छात्रों को वो सम्मानित करेंगी। 19 अप्रैल को एचपीयू में ये दीक्षांत समारोह होना है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और काफी जो छात्र हैं उनमें भी राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर बेहद जोश देखा जा रहा है, क्योंकि बेहद खास मौका होता है ये। खुद यहां पर मौजूद स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम मौका होता है जब खुद राष्ट्रपति जो है उन्हें सम्मानित करेंगे, इससे उनका हौसला बढ़ता है। और इसीलिए इस अहम मौके को लेकर वहां पर तैयारियां भी पूरी नजर आ रही हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली है, तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? और उस दौरान ही ये निर्णय तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई और किसने पाया कि 19 तारीख को राष्ट्रपति आ रही है। दरअसल राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 18 से 20 तारीख का है और इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाएंगी, जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति होंगी जो इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आएंगी और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी। इसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से तैयारियों को लेकर भी एक समीक्षा बैठक की गई और रणनीति पूरी तैयार की गई कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और राष्ट्रपति के आगमन पर क्या क्या कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रहेंगे। इसके अलावा इसी की बैठक में और भी बड़े फैसले हुए हैं, जिनमें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर जो 3 प्राध्यापक प्रोफेसर गए थे उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैंसिल कर दी गई है। इनमें मंडी विश्वविद्यालय की वीसी की अगर हम बात करें, डीडी शर्मा, उनकी लीव कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा अनुपमा जो प्रति कुलपति थी मंडी विश्वविद्यालय की, उनकी लीव भी कैंसिल कर दी गई है। और साथ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर वहां के भी उनकी लीव भी कैंसिल कर दी गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और इसके अलावा जो सेवानिवृत्त अभी कर्मचारी हुए थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, और उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है इसी की तरफ से। तो काफी बड़े फैसले हम कह सकते हैं इसी की बैठक में हुए हैं। और राष्ट्रपति का दौरा भी हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 18, 19 और 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश में रहेंगी। इसके अलावा रिट्रीट जो राष्ट्रपति निवास है उसको भी आम जनता के लिए खोला जाएगा राष्ट्रपति के दौरे के बाद। तो ये भी बड़ी सौगात हिमाचल वासियों के लिए होगी, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति निवास पर, खासकर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनको जानने का मौका मिलता है, वहाँ सीखने का मौका मिलता है। और इसके लिए विशेष रियायत भी प्रशासन की तरफ से दी गई है छात्रों के लिए, निःशुल्क हम कह सकते हैं जो प्रवेश। तो खास मौका ये रहने वाला है, और जिस तरह से छात्रों में भी जोश नजर आ रहा है वो भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंच